दर्शकों, आरोग्य जागरण में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, हम बताना चाह रहे हैं कि हर आदमी 100 साल जिए, इसलिए हर मेडिसिन की इसमें जुस्तजु करते रहता है। ऐसे में हम आज डॉक्टर नारायण राव जी से बात करेंगे, जो एमडी मेडिसिन है, एमबीबीएस है और काफी दिनों से उनका अनुभव है। आज उन्हीं से जानेंगे कैसी लाइफ जीना चाहिए, आज उन्हीं से जानेंगे कि लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए। मेडिसिन न लेते हुए भी अपन अपना हर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर नारायण राव का पूरे देश में उनका नाम है। काफी सेमिनार के माध्यम से वो लोगों को अवेयर करते हैं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर्स भी उनके सेमिनार अटेंड करते हैं। सेमिनार के बारे में आज हम उनसे जानेंगे कि इस सेमिनार किस तरह का होता है, सेमिनार में क्या किया जाता है और सेमिनार लेने के बाद पेशेंट का जो अभी जो पार्टिसिपेट लेते हैं उनका अनुभव भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो चलिए डॉक्टर नारायण राव जी से, जो मेडिसिन है, इन्होंने काफी लोगों को अच्छा लाइफ जीना सिखाया है। आरोग्य जागृति, डॉक्टर साहब आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी आज दैनिक जीवन में लोग मेडिसिन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अभी ऊब भी चुके हैं, तो ऐसे में आपका जो ट्रीटमेंट का या सेमिनार का जो तरीका है, सर हमारे दर्शकों को बताइए क्या ये, और सबसे पहला आप अपना मेडिसिन एमडी मेडिसिन होकर भी इस ट्रीटमेंट को आप फॉलो करते हैं, क्या वजह है इसकी? मैं खुद डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस, एमडी, एमआरटीसी, गार्डियन आर्टिस्ट, ये सब होकर भी मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था, सीवियर बैकिंग था। ये सारा मैंने लिटरली 3 महीने में पूरा उसको मार कर 15 साल से मैंने उसको सफर किया था। कितना ये अस्थमा मुझे था कि मुझे साल में 200 रातें मैं बैठता था, रात भर बैठता था, इतना सीवियर अस्थमा मुझे था। ये अस्थमा मेरा लिटरली 3 महीने में चला, पर ये अगर मुझे फायदा होता है, मेरा वजन 92 किलो था, आज मैं 72 किलो पर हूँ, तो ये अगर मुझे फायदा होता है, सबका फायदा क्यों नहीं होना चाहिए। तो फिर हमें पिछले 14 साल से हमने ये शुरू की थेरेपी, एंड नाउ वी हैव कम टू दिस सिचुएशन कि वी हैव स्टार्टेड अ मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन, अ यूनिक मेथड, दुनिया में पहली बार हम करते हैं कि सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालते हैं, बिना मेडिसिन के, बिना मशीन के, बिना कोई डाइट के, डाइट की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा जो प्रयास है बिना मेडिसिन के जीने का, कि वो बहुत पॉसिबल है, वेरी वेरी पॉसिबल, एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी कैन डू इट। जैसे बताया कि मेडिसिन के बिना ये टॉक्सिन निकालते हैं, इसका तरीका क्या होता है? ये हम आपको सिखाते हैं, 7 दिन का हमारा वर्कशॉप होता है, इसमें डेली अलग अलग हमारे आपके सारे ऑर्गन्स को पहले खाली कराना सीख जाते हैं, पूरे खाली करके इसको पूरा रिंसिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी अंदर से पूरी नई बन जाती है। सर, अभी जैसा बताया गया एलोपैथी में काफ़ी मेडिसिन निकले हैं, तो इससे मतलब जो आगे चल के उसमें बॉडी में प्रभाव होता है, इसका क्या कारण? यही तो कारण है ना, हमारे पास एक एडवांटेज है और 9 डिसएडवांटेज होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से, इसलिए हम वो मेडिसिन ही हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली हम तो यहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो पूरा रिवर्स कर देते हैं। हमारे पास कितने लोग आते हैं जिन्होंने बाईपास किया है, आज वो लोग सारा मेडिसिन देख चुके हैं पिछले 14 साल, हजारों डॉक्टर, हमारे हजारों पेशेंट्स को हमने इसको से ठीक कर दिया है। सर, जैसा बताया कि अभी क्रॉनिक जो डिसीज होते हैं, जैसा डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया है, या लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये दिखते नहीं है लेकिन बढ़ते जाते हैं, तो आपके ट्रीटमेंट से किस तरह इसको अपन उपाय कर सकते हैं? यही तो है हमारा मेडिकल कमाल, ये हमारा सबसे बढ़िया वेपन है, जो हमारे आज साइलेंट किलर डिजीजेस है, लीवर के रहो, हार्ट के रहो, ब्रेन के रहो, ये सारे किलर्स पर बिफोर दे अपीयर एट फिजिकल लेवल हम उसको वाइप आउट करते हैं।
और पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक 6 दिन पहले और 7 बजे को सुबह 6 से लेकर दोपहर में 3 बजे तक ये सेशन होता है। ये 7 दिन में आप पूरा एक नया बर्थ आपको पूरा मिल जाता है, नया जन्म मिल जाता है। आपने देखा होगा इसी वर्कशॉप में हमारी एक बहन है, हमारी छोटी बेटी है, इसको सीवियर जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन से इतनी परेशान हो गई है कि यहाँ जब आई है 6 दिन से उसने एक भी गोली नहीं खाई है। लिटरली वो भूल गई है कि मुझे इतना सारा जॉइंट पेन था, रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटिक आर्थराइटिस, ये केस आपके सामने है। सर अभी जैसे आपका सेशन बताया 7 डेज का सेशन होता है, जैसे कार्डियक के प्रॉब्लम होते हैं या किडनी से कोई मेजर प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट भी आपसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इनके लिए ही है स्पेशली, ये हार्ट ब्लॉक के लिए, ब्रेन ब्लॉक के लिए, हमारे फैटी लिवर के लिए, हमारे किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। हार्ट ब्लॉक होता क्यों है? क्योंकि हमारा इंडाइजेशन शुरू होता है, वहाँ से सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जैसे ही हमारा डाइजेशन चालू हो गया, एसिमिलेशन चालू हो गया, एलिमिनेशन ठीक होना लगा, अपने आप ही हार्ट ब्लॉक अंदर के अंदर ही डिजॉल्व होना शुरू होते हैं। और यही रियल ट्रीटमेंट है हमारे हार्ट ब्लॉक की, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आज प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को मैं कम से कम मेडिसिन देता हूँ, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिना मेडिसिन के आपके अंदर का सारा के सारा टॉक्सिन्स निकाल देते हैं। जिसे जो बढ़ रहे हैं इसमें लोगों के लाइफस्टाइल और जो खाने पीने खान पान जो होता है जंक फूड वगैरह, इसकी वजह से डिसे जो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों का आप एज ए डॉक्टर क्या सजेशन देना? इसलिए हम आपको यहाँ 7 दिन में आपके हर ऑर्गन को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। हमारे कान रहो, आंखें रहो, नाक रहो, मुंह रहो, चेस्ट रहो, हमारे साइनसेस रहो, हमारे पेट का गॉल ब्लैडर, हमारा पैंक्रियास, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा रेक्टम, हर एक को खाली करने का प्रयास। और खाली कैसे करते हैं हम ये हर एक को सिखाते रहते हैं। आपके दांत कभी गिरना नहीं चाहिए, आपको कैटरेक्ट कभी होना नहीं चाहिए, ये हम प्रयास करते हैं इस हमारे साथ। जैसे सर दर्शकों, डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी हमें जानकारी दी है, हम ये सेशन में हमने खुद अटेंड किया है, इसमें क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसा सेशन होता है, इसके बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि आपके सेशन में कौन कौन से फील्ड के लोग और कौन से अहदे के लोग यहाँ पे आपके पास सेशन कर रहे हैं? हमारे पास 10 साल की उम्र से लेकर 81 ईयर्स तक ये डिटॉक्स कर सकते हैं। जो भी आदमी दो पैरों पे खड़ा रहता है उसके लिए ये हमारा सेशन है। जिसको फिट रहने की इच्छा है, जिसको वेट बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वेट बढ़ाए तो हमारे ही पैरों पर हमको ही उसको उठाना है, बाजू वाला उठाएगा नहीं हमारा। वेट बहुत महत्वपूर्ण है, शुगर बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लड प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिना दवाई के हम घटाने का प्रयास। दर्शकों जैसा डॉक्टर ने बताया कि ये सेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं ये सेशन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में हो, इसके लिए डॉक्टर साहब का प्रयत्न रहता है। डॉक्टर साहब का एक ही बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसे एफिलेट होना चाहिए, ये सेशन करना चाहिए और हर घर में हर बीमारी को दूर रहना, मतलब मेडिसिन से दूर रहना है, ये चाहते हैं। आज उनका कंपनी जो भी काम कर रही है, जो डॉक्टर साहब का सेशन है, उनके बारे में आज थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपनी थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। ये हमारी संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन डिटॉक्सिफिकेशन, जो 2007 से हम काम कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग फायदा लेकर रहे हैं पिछले 14 साल में। और हमारा ये 328वां वर्कशॉप है। हम आपके सभी से बात करते हैं कि आपको हम आप हमें बुला सकते हैं कि ये जो आइडिया है मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन का, जो आज लोग मिसगाइड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं,
और कुछ भी बोलते हैं कि ये डिटॉक्स हो गया, ये डाइट लो डिटॉक्स हो गया, ये सप्लीमेंट्स ले लो डिटॉक्स हो गया, ये मेडिसिन ले लो डिटॉक्स हो गया, ये ऐसे डिटॉक्स नहीं होता है। डिटॉक्स का मतलब है शरीर से अंदर टॉक्सिन निकालना, अंदर कुछ नहीं डालना, ये डिटॉक्स है। यही कार्य हमारा संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डिटॉक्सिफिकेशन का पिछले 14 साल से हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो एम है डिसीज फ्री सोसाइटी और मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, हर आदमी 100 साल जीना चाहिए, जीना भी कैसा है, इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिव जॉयफुल और वाइब्रेंट तरीके से हम 100 साल जिएंगे, सेलिब्रेट करते जाएंगे ये लाइफ जो हमें भगवान ने दी। आरोग्य जागृति का मैं बहुत आभारी हूँ। आरोग्य जागृति का जो कार्य चालू है समाज में आरोग्य जागृति करना और उनके लिए अलग अलग सेमिनार वर्कशॉप शिविर भी आरोग्य जागरूकता की ओर से होते हैं, बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। और इसी तहत ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी मुझे बड़ी खुशी है। मेरे बारे में कहने की बात ऐसी है कि मैं तो अपने आरोग्य के बारे में जब से समझ आई तब से जागरूक रहा हूँ। खान पान होगा, आहार विहार होगा, इस बातों में मैं बहुत जागरूक था और अच्छे से जी भी रहा था। लेकिन पिछले साल मुझे कोरोना हुआ और वो 14 दिन ICU में रहना पड़ा, बाद में 6 महीना भी मुझे बेड से उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था और जो साथी साथी हरकतें होती है वो भी करना मेरे लिए बहुत नामुमकिन हो गया था। और इसी से मुझे जो मानसिक मार्ग के हम बैठते हैं इतनी साथी साथी बातें भी मुझे करने की बड़ी दिक्कत आने लगी थी, नींद बहुत लगती थी। तो मैं तो 9-10 बजे तक सोता था, दोपहर में सोता था, कभी भी सो जाओ बोले तो सो जाता था, ऐसी मेरी मानसिकता हुई। और फिर ये प्रोग्राम के बारे में मुझे मेरे मित्र श्री दिनेश पेटो साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे वर्कशॉप होता है, इसके ऐसे ऐसे फायदे हैं, ये फायदे खुद मैंने और मेरी वाइफ ने भी लिए हैं। तो उन्होंने बोला तो फिर उनके बात से तो अविश्वास बता दी कि सवाल ही नहीं उठता था। और इसलिए मैंने फिर उसके बात सुन के जो डॉक्टर थे नारायण राव साहब है उनसे बोला, उनसे उनको भी मेरी तकलीफें बताई, उन्होंने भी मुझे एश्योरेंस दिया कि जो आपकी तकलीफें हैं दूर हो जाएंगी, आप जरूर आना चाहिए। और फिर उनसे भी एश्योरेंस मिलने के बाद मैं आया। पहली बात तो मुझे यही गारंटी नहीं थी कि मैं 4 बजे उठूँगा, 5 बजे घर से निकलूँगा और 6 बजे तक यहाँ पे आ जाऊँगा। लेकिन जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और आने के बाद मुझे लगता था कि मेरी हालत ऐसी जो है कि 4 घंटा के आधा घंटा 10 मिनट भी मैं बैठ के सकूँगा। लेकिन एक डॉक्टर साहब का कहना है, उनका भी उत्साह है, जो प्रेजेंटेशन था वातावरण यहाँ पे निर्माण हुआ उसके बाद में 1 घंटा 10 मिनट क्या पूरे 4 घंटे बैठे और जो आसन करने पड़ते योगासन करने पड़ते बातें देखने को सुनने को मिलती है तो उसमें पहले दिन की 4-4.5 घंटे कैसे मुझे पता ही नहीं चला। और ऐसे खुशी खुशी से मेरा 6 दिन का प्रोग्राम हुआ है, 6 दिन में मेरा वजन भी कम हुआ है। सबसे खुशी की बात जो मेरे शरीर की मूवमेंट्स नहीं हो रही थी वो मूवमेंट्स बड़े पैमाने पर होने लगी है, बड़ी खुशी है। और उन्होंने ये प्रोग्राम करने के बाद भी जो बातें करने के लिए कहा है वो करने से मुझे विश्वास है कि मैं फिर से पहले जैसे ही हंसी खुशी से जवान की तरह फिर से मिले रहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता मैम आई है जो सिंगापुर से स्पेशल सेशन अटेंड करने के लिए है डॉक्टर राव जी का। आप इन्हीं से जानेंगे इनके दिल में जो निगेटिविटी थी और हेल्थ कॉन्शियस जो उनकी परेशानी थी, जो तकलीफें थी, जो उन्होंने आज तक इतना ट्रीटमेंट किया है उससे वो बहुत उठ चुकी थी, इसी के ऊपर उनका हम ये सेशन के बारे में जानेंगे। मैम आपका आरोग्य स्वागत है। मैम ये बताइए आपको हेल्थ के बारे में जो अभी तक निगेटिविटी बॉडी में थी
जो आप बार बार ट्रीटमेंट लेके थक चुके थे, अब मेरे को नहीं ट्रीटमेंट करना ऐसा सब सोचे, अब ये ट्रीटमेंट मतलब सेशन से आपको कैसा लगा? Somehow I managed to sit down, but it was very hard for me to believe that I had to do it, because after pregnancy, like 7 years, multiple doctors, various cities, different countries, I tried, immense money spent, but no result. I just thought that even when I take a yoga, the second day again I tried, it was much better. The third day, as I have been without support, I was sitting down. Or fourth day, though, I was just. आसन छोड़ के मैं सर को कह रही सर इट्स मिराकल इट्स मिराकल आई कुड टच माय नीज टू माय नोज आई कुड टच माय थंब टू माय हेड आई कुडंट बिलीव माय सेल्फ कि ऐसा कुछ हो सकता है आई हैव मेनी इश्यूज मेनी हेल्थ इश्यूज लाइक बैक स्पाइन लैक ऑफ फैसिलिटीज जिसका मैंने ट्रीटमेंट तो सब करा है बट नो यूज और यहाँ आने के बाद और पता चले कि अंदर कितनी सारी डर्ट है लाइक मैनी पीपल आर एक्सपीरियंसिंग यू के इमोशंस पास हो रहे हैं बट मेरा एक हो रहा है या दो हो रहा है सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स बट सर कॉन्फिडेंस दे गिव विंग से यू नो विद द सेकंड डे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स आई एम वेरी श्योर कि जो जो मैंने पोस्टपोन किया अपना टिकट यू नो एट द कॉस्ट ऑफ माय चाइल्ड्स एजुकेशन एंड माय वर्क इट वोंट गो वेस्ट एंड आई एम डेफिनेटली बेनिफिट मैम जैसे आपने 7 days का सेशन अटेंड किया है इसमें आपने अनुभव लिया है आप क्या सजेशन लोगों को संदेश देना चाहते हैं ये तो मैं डेफिनेटली हर जगह बोलने वाली हूँ इवन आप मेरे सिंगापुर आई विल टॉक अबाउट दिस और मुझसे पॉसिबल हुआ आई विल डेफिनेटली यू नो ट्राई टू अरेंज अ सेशन देयर क्योंकि दिस इज अ मस्ट फॉर एवरीवन इन 7 days एट दिस कॉस्ट इज टू मच क्योंकि मैंने डिटॉक्स को दूसरी जगह भी पता किया था कोई 2.5 lakh कोई 3.5 lakh वो 7 days ना बट यहाँ पे दिस कॉस्ट इज लाइक वेरी नाइस पार्टिसिपेंट है अनुजा सहाय जो सिंगर है काफी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं उनके आज हम उन्हीं से बात करेंगे ये सेशन वो भी अटेंड कर रहे हैं उनको क्या लग रहा है इस सेशन के बारे में और उन्हों किस तरह इसे पार्टिसिपेट करके कितना खुश है उन्हीं से जानेंगे मैम आपका अनुजा स्वागत है मैम बताइए आप जो 7 दिन का सेशन अटेंड किए हैं आप तो एक काफी पॉपुलर सिंगर हो आपको मालूम है सॉन्ग हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है लेकिन अभी ये ट्रीटमेंट जान देख करने के बाद आपको क्या लगता है और आपका अनुभव शेयर करें as you rightly said music for health goes hand in hand तो अगर हमारा गला अंदर से एकदम अच्छा रहता है अंदर से फिटनेस ब्रीदिंग सब कुछ बहुत अच्छी रहती है तो वो आपके गाने में निकल के आती है बट ये मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर डन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं फिटनेस फ्रीक तो थी हमेशा से आई वॉज ऑलवेज अ जिम गोइंग लेकिन जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं स्ट्रेच की बात करते हैं तो जिम में इट्स मोर अबाउट स्टिफनेस इट्स मोर अबाउट वेट एंड आपका इंच वाइज हो जाए आपका डिजाइन रिजल्ट आ जाए मतलब हम उतना हेल्प या कहना चाहिए हम स्लिम कोई हेल्दी होना बोल रहे हो स्लिम योर हेल्दी जो करेक्ट नहीं इनफैक्ट यहाँ पर आकर बहुत क्लियर हो गया दैट स्लिम मतलब हेल्दी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ये भी एक मिथ है और यहाँ जो ब्रीदिंग की बात हुई कि अंदर से अगर हम सिस्टम को एब्सोल्युटली क्लीन कर लेंगे डिटॉक्स कर देंगे तो उसके बाद वेट को रिड्यूस करना उसको मेनटेन करना सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाए तो देन आप गेम भी शायद ना करें बिकॉज आपका मेटाबॉलिक रेट इतना बढ़ जाएगा आपकी लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो जाएगी एंड द बेस्ट थिंग आई फाउंड हियर वाज कि यहाँ पर डाइट उन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोई डाइटिंग नहीं है आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फिक्स डाइट कि आपको ये खाना है मतलब आपको ये इतना इतना खाना है बिकॉज द बिगेस्ट लॉजिक बिहाइंड एनी डाइट इज कि वो आप बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते जब डाइट खत्म तो यू बैक टू स्क्वायर वन तो इसलिए ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ऐसी अट्रैक्टिव लगी विच यू कैन फॉलो फॉर योर इंटायर लाइफ एंड जिम में ऐसा नहीं होता था
टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, मेरे लिए ऐसा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा फायदा हो गया था ओवर द पास्ट वन एंड अ हाफ ईयर बिकॉज आई हैव जस्ट डिलीवर्ड बेबीज, सो हेंस आई हैव अ लॉट मोर रीजन टू गेट बैक टू शेप. और उसके उसी के कारण मैंने कहा कि आई डोंट थिंक एकदम सडनली एनीथिंग फॉर मी वुड वर्क आउट, तो लेट्स ट्राई दिस डिटॉक्स. एंड ये सर्कल ऐसा बना कि डॉक्टर राव को मैंने आई थिंक I'm also an anchor as a TV host. I had hosted his show 5 to 6 years back. So when Dr. Rao came to me, he said, "Achha, tumhi ne host kiya." Because completely changed in the size and shape and bas chehra hi woh reh gaya shayad. So I think for any person, chahe unko reduce karna hai ya nahi karna hai ya ek healthy lifestyle chahiye, so detox is very important. And one thing again very important, that weight loss is a byproduct of this process. मतलब हम वेट लॉस के लिए तो आते हैं बट वो उसको दैट्स नॉट द प्राइम फोकस, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट अडॉप्टिंग दैट दैट लाइफस्टाइल. ऐसे हमारे साथ में एक पार्टिसिपेंट है संजीव गिरेमठपुर का, काफी उनके हेल्थ से जान सकते हैं और उन्होंने क्या नहीं किया होगा आज तक और आज उनको कितना खुशी है उनके चेहरे पे दिख रही है हमें के डॉक्टर केवल डॉक्टर राव की वजह से. आज हम संजीव सर से जानेंगे. संजीव सर आप बताइए, आपने ये सेशन अटेंड किया डॉक्टर राव जी के बारे में, जो सेशन है ये सेशन के बारे में हमें बताइए और आपका हेल्थ इतना है, आपको क्या लगता है, आप हमेशा खुश लगते हो, इसका क्या राज है? सेशन के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर चीज की एक्शन में कोई भी किसी तरह से एक वक्त में नहीं ले लेता, तो मेरे पे कुछ ना कुछ मार्शिश हो रही है. मैं 30 साल इंडस्ट्री में, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 30 साल अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम करने के बाद विप्रो है, अरविंद है, बहुत सीनियर लेवल पे काम किया, पर एक चीज जाना यार कहीं ना कहीं हेल्थ खराब हो रही है और उसके ऊपर पिछले 8-10 साल से मैंने आप बोलो नेचुरोपैथी बोलो फिर योगा थेरेपिस्ट बोलो बहुत सारी चीजें मैं करता चला गया, हर बार मेरी हुई रिड्यूस हुई मगर वापस वो आती चली गई. और फिर मैंने जिंदगी में ना हमेशा जब आप किसी चीज के पीछे अगर पढ़ के अगर लग जाते हो ना नहीं मेरे को ये करना ही है और ये चाहिए तो वो चीज़ आपको मिल जाती है. मेरे साथ में शुरू से हमेशा ये होता है अगर मैं किसी चीज़ को फोकस करना है तो कर लेता हूँ. इस चक्कर में मैंने पिछले सितंबर में मेरी नौकरी छोड़ दी, मतलब मुझे अभी नौकरी नहीं करनी. सबसे टॉप रीजन था हेल्थ और हेल्थ में भी स्ट्रेस था. फिर उसके बाद मैं एनर्जी के ऊपर मेरी रुझान और एनर्जी को लेकर भी ह्यूमन का माइंड बॉडी सॉलिड तीनों के ऊपर मेरी हमेशा एक रुझान रहती है और कुछ ना कुछ नया चीज जानते रहता हूँ. और इस कोर्स के बारे में मेरे जो मित्र हैं जो दिनेश पिंटर है पिछले 6 महीने से मेरे पीछे बन रहे हैं, मतलब सहयोग नहीं बन रहे थे सो पहली बार जाके इस बार हुआ है. मगर पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतनी सारी चीजें करने के बाद मैंने फिर वापस मेरे बॉडी माइंड सोल के लिए मैं एक हीलर भी हूँ, मैं एनर्जी कोच हूँ, मैं लाइफ स्किल सिखाता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ हूँ, फिर भी मेरे लिए मेरी ही चीजें कम पड़ रही है. तो मन के अंदर एक सवाल आता है यार जब तुम खुद के लिए खुद नहीं कर सकते तो तुम दूसरों को सिखाओगे क्या? इस एक क्वेश्चन के साथ में मैंने आज भी मेरा वेबसाइट वगैरह सब कुछ रेडी होने पर मेरे लिए लॉन्च नहीं की और यूनिवर्स को एक ही कॉल किया नहीं मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे ये सपोर्ट दो और ये क्लैरिटी दो. और पिछले सपोर्ट के बाद मेरे एक ही स्लोगन है, मैं सबसे जो भी मित्र बोलते हैं मेरे मन तुम आजकल क्या कर रहे हैं, तो बोला यार मैंने जीना शुरू किया है. मेरा एक ही स्लोगन है कि September 1, 2021 से मैं सिर्फ जी रहा हूँ, उससे पहले मैं जीता नहीं था. आई मीन इट क्लियरली और ये इंटेंशन के साथ में मैंने जुड़ा तो 6 महीने पहले से मैं इस नारायण राव जी के बारे में इतना सुन रहा हूँ, हर बार मन करता है अब चले जाऊँ, कुछ ना कुछ कारणांतर से मेरे को शेड्यूल से मैं आ नहीं पाया. मगर इस बार मेरे दोस्त ने बोला कि तेरे को आना ही, मैं बोला आना नहीं अब मेरा टाइम भी शेड्यूल हो गया मैं आ रहा हूँ, तो मैं अकेला ही नहीं है. तो उसका मित्र का इवन डॉक्टर साहब का भी हमेशा ये कहना है कि आप कभी भी आदमी लोग क्या होते हैं नहीं हमको तकलीफ है अकेला सीख जाते हैं, आपका घर का जो किचन है वो कभी भी ठीक होना चाहिए. घर का किचन अगर ठीक होना है तो घर की जो मालकिन है जो किचन की मालकिन है वो भी इसका हिस्सा होना चाहिए. भले आप उसके साथ उनको सिखा दो तो फिर आपके घर में काफी आपके माँ बाप है सास ससुर बच्चे हैं सबकी हेल्थ ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है. तो फिर मैं यहाँ पे मेरा बिजनेस का सामने दिया
अब हम बात करते हैं, क्यों हो गया मेरे बात, अब हम बात करते हैं, अभी बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। मैंने आयुर्वेद के जितने मेथड्स हैं, नेचुरोपैथी में मैं बहुत अलग अलग कोर्स में करते समय आयुर्वेदिक एक ये ऐसी चीज है जो वेट में कारगर होती है। जब भी इनके बारे में आर्टिकल पढ़ता था मैं, ये विदाउट कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डाइट नहीं है, सो मेनी थिंग्स, मुझे विश्वास है कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जहाँ पर भी आयुर्वेदिक में होता है सिर्फ वो लोग बॉडी के ऊपर काम नहीं करते, बॉडी के साथ में माइंड और सोल से आता है, ये तीनों चीज जब तक जुड़ती नहीं है सर आपका रेजुलेशन नहीं हो सकता, ये मेरे अनुभव रहा है। सो सर के साथ में आने की देरी थी, इधर आने के बाद मैं आज की तारीख में 135 किलो वेट करता हूँ। मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ वेट कम नहीं करना है, वेट कम करने की टेक्निक तो इनके पास है ही, मगर उन्होंने पिछले एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो हमें कंटेंट दी है, जो हमें सिखाया है, जो लर्निंग्स है, वो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बॉडी माइंड और सोल। अब वो बॉडी और माइंड सोल बोलेगा तो क्या, बॉडी तो एक शरीर है, शरीर का एक वेट है, आपका इमोशनल हेल्थ भी चाहिए, फिर सोल की जर्नी सबकॉन्शियस लेवल पर भी आपकी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। इन चीजों के लिए मैं जो डॉक्टर साहब ने खुराक दी है, जो प्रेजेंटेशन और नॉलेज के हिसाब से वो खुराक एक पर्याप्त है पूरी जिंदगी भर जीने के लिए, और ये चीज यहाँ पे आने के बाद में मेरा वेट तो रिड्यूस होगा, वो तो मैं पहले से भी कॉन्फिडेंट था, अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मगर अब ये शायद ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ये कहना शुरू करूंगा, मैं अब तो जी नहीं रहा हूँ, मैं भर भर के जीऊंगा। सो ये अपने आप में एक उनकी क्या होता है, जब इंसान खुद कोई तकलीफ झेलता है, अभी मेरी जर्नी एक अलग रही, उनकी जर्नी अलग रही, मगर कारण एक रहा, उनको तकलीफ हुआ तो उन्होंने खोजना शुरू किया। मेरा जॉब छोड़ने का रीजन मेरा वेट और स्ट्रेस था, जिसकी वजह से मैं पिछले सिर्फ 7 साल में 25 किलो गेन किया, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस का मैनेजमेंट का कोर्स भी मैंने सीखे, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर भी हूँ, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कम पड़ती है, कहाँ कम पड़ती है, मतलब कुछ तो कम पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली उधर आने के बाद जब आदमी के पास खुद की तकलीफ होती है ना, वो जब भूलना शुरू करता है ना, ऊपर वाला एक सही समय पे सही जगह पे आपको पहुंचा देता है, और वो भी सही हितैषी जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, वेल विशर्स है उनके, तो आपको वहां तक पहुंचा देता है। तो आपको कभी बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, हाँ संयम जो रखना होना चाहिए, और उसके साथ में आशावादी होना, खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ के कोर्स के बाद क्या लेके जा रहा हूँ, ये मुझे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा यार, किसी को अगर जीना है ना, जीते जी, अगर किसी को जीते जी जीना है, वो नारायण खासी के कोर्स में आना चाहिए। हाँ, जीते जी अगर मरते रहना है हर दिन हर पल, तो फिर ये आपकी चॉइस है। मैं इतना कहते हुए आरोग्य जागृति।